उधर लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए पहुंचे और इधर बिहार में सियासत गर्मा उठी इधर बिहार में अलग ही राजनीति का माहौल और खेल जो है वो शुरू हो गया और बिहार में लेके लालू प्रसाद के इस वाक्यों को लेके कहीं ना कहीं विपक्ष ने खूब निशाना साधा प्रशांत किशोर तो कुछ ज्यादा ही बोल गए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने और विपक्ष में बैठे नेताओं ने कैसे चुटकी ली इस पूरी जानकारी इस पूरे घटनाक्रम से हम आपको रूबरू कराएंगे लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन देश की सबसे बड़ी शादी होने जा रही है मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी हो रही है पिछले छह महीने से बड़ा हाइप था बड़े सारे सुपरस्टार इनके शादी में जो है वो पहुंचे थे और यहां तक कि हॉलीवुड से भी सुपरस्टार यहां पे आए थे लेकिन अब जब लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार यानी तेजस्वी के साथ राबड़ी देवी के साथ जब उनके शादी को अटेंड करने के लिए पहुंचे तो इधर बिहार में सियासत तेज हो गई विजय सिन्हा का इसके ऊपर जो बयान आया है वो आपको सुनना चाहिए विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि लालू यादव के कथनी और करनी में बहुत फर्क है यही लालू यादव है जो अंबानी को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे यही लालू यादव हैं जो कहा करते थे कि अंबानी जो है इस देश को लूट रहे हैं और यही लालू यादव उनके प्राइवेट जहाज में बैठ के मुंबई पहुंच गए हैं वो भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी इस शादी को वो अटेंड कर रहे हैं इतना ही नहीं उसके बाद जेडीयू के तरफ से जो मंत्री रहे हैं अशोक चौधरी उनका भी भी बयान सामने आया है और भी है और उन्होंने कहा कि लालू यादव कथनी और करनी में बहुत फर्क है हालांकि उनको इनविटेशन मिला है वो शादी में गए हैं कोई बड़ी बात नहीं है जाना भी चाहिए उनको लेकिन कम से कम अंबानी को बताते थे कि देश लूट रहे हैं अंबानी को बताते थे कि ये भाई ये लोग देश को चला रहे हैं और आखिरकार उनके ही इनविटेशन पे पूरे परिवार के साथ उनके शादी को अटेंड करने के लिए पहुंच जा रहे हैं तो यह सोचनीय बात है और इसी के ऊपर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि इस बार जब वोट कीजिएगा तो अपने नेताओं का मुंह मत कीजिएगा, उनका जात देके के वोट मत कीजिएगा अपने बच्चों का मुंह कीजिएगा, जहां आप जात देख के वोट किए और नेताओं का मुंह देख के वोट किए तो उनके बेटा लोग चार्टर्ड प्लेन से घूमते फिरेंगे और बड़े बड़े शादियों को अटेंड करते फिरेंगे मतलब इस बार जब वोट कीजिएगा तो अपने बच्चों का मुंह देख के वोट कीजिएगा ताकि वो लोग बेरोजगार ना रहे वो लोग विकसित बने ना कि आपके जात के जो वो नेता कहलाते हैं उनका बेटा जहाज में घूमता फिरे साफ साफ तौर पे तंज किया है और साफ साफ तौर पे प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया है अब ये आप समझ जाइए की देश की सबसे बड़ी शादी हो रही है देश के सभी सुपरस्टार वहां पे पहुंच रहे हैं कई बड़े बड़े और नामची नेता अभी इस शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी जा रही है उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जा रहे हैं ये माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी कल पहुंचेंगे तो सभी सुपर और सभी बड़े बड़े नेतागण जो है वहां पे पहुंच रहे हैं चाहे वो क्रिकेटर हो खिलाड़ी हो फिल्म स्टार हो नेता हो सब लोग इस को अटेंड कर रहे हैं और इसी शादी को अटेंड करने के लिए प्रताप यादव भी शामिल है, है पहुंच जाते हैं अनंत अंबानी की शादी को अटेंड करने के लिए जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो जाती है और बिहार में जो भी उनके सामने जो नेतागण है जैसे कि बीजेपी वाले या फिर जेडीयू वाले उनके ऊपर तन के कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं और प्रशांत किशोर भी इस बात से पीछे नहीं हटते हैं और अब लालू यादव के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं बाकी इस खबर को लेके इस जानकारी को लेके और इस बात को लेके और जो लालू यादव वहां पे गए हैं इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं क्या आप भी जो ये नेतागण है जो ये एक सब कुछ कह रहे हैं इनके बातों से इत्तफाक रहते हैं या फिर आपका सोचना थोड़ा भिन्न है और आपको लगता है कि भाई अगर इन्विटेशन आया है तो जाना चाहिए आप कॉमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है